नमस्ते, गुड मॉर्निंग, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो मैं अभी हूँ गुवाहाटी स्टेशन पे और आपको गुवाहाटी का स्टेशन दिखा रहा हूँ, उसको देखिए। तो आपको बता दें कि जो गुवाहाटी स्टेशन है ये 100% सोलर से चलने वाला है, इंडिया का पहला स्टेशन है। गुवाहाटी स्टेशन की स्थापना सन 1900 में हुई थी और आज ये स्टेशन 121 साल पुराना हो गया है। तो मैं अभी चलता हूँ, आपको अंदर से गुवाहाटी स्टेशन दिखाता हूँ। तो यहाँ से होती है स्टेशन में एंट्री और ये है यहाँ का प्लेटफार्म नंबर 1, जो कि बहुत ही साफ सफाई का ख्याल रखा जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे खाने के लिए भी बहुत सारी दुकानें हैं जिससे आप खा सकते हैं, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। और आपको इस स्टेशन पे यहाँ पे है जेंट्स के लिए वेटिंग रूम, जो कि बिल्कुल फ्री है, और इसमें जो टॉयलेट है उसको यूज करने के लिए पैसा पे करना पड़ता है। और इसके बगल में ही है गर्ल्स के लिए यानी महिलाओं के लिए वेटिंग रूम, उसमें भी सेम है कंडीशन कि वेटिंग रूम के लिए कोई फीस नहीं है, लेकिन टॉयलेट और वाशरूम के लिए पैसा पे करना पड़ता है। और स्टेशन आप देख ही रहे हैं कितना साफ है। अभी आपको ले चलते हैं प्लेटफार्म नंबर 1 से बाकी सब प्लेटफार्म जाने के लिए कहाँ से जाना पड़ता है, तो आपको दिखा रहे हैं। स्टेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर वाशरूम की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, और 10 रुपये में आप जाकर के वाशरूम यूज कर सकते हैं। और वाशरूम बहुत ही ज़्यादा साफ था, और मैंने लिया अभी चाय जो कि मुझे यहाँ पड़ा 10 रुपये का, जो कि है इंडियन रेलवे का। तो इसको टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। टेस्ट नॉर्मल ही है, उतना अच्छा भी नहीं है, उतना ख़राब भी नहीं है, एवरेज टेस्ट है। अभी मैं चल रहा हूँ सीढ़ी से ऊपर और आपको दिखा रहा हूँ फ्लाईओवर से गुवाहाटी स्टेशन कैसा लगता है। और ये है गुवाहाटी स्टेशन का फ्लाईओवर, वहाँ पे है लिफ्ट जहाँ से लोग नीचे जाते हैं, लेकिन वो ख़राब है। और यहाँ से दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको कामाख्या मंदिर जाना है, जो कि एक शक्तिपीठ है, तो आपको गुवाहाटी से भी गाड़ी मिल सकती है जाने के लिए। लेकिन कामाख्या स्टेशन, जो कि इसके आगे वाला स्टेशन है, वहाँ से अगर आप जाएंगे तो आपको थोड़ा इजी होगा, और वहाँ से बहुत कम दूर है कामाख्या मंदिर। तो आप लोग अगर गुवाहाटी आइए तो आराम से जाए कामाख्या मंदिर घूम के आइए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर है। मैं गया हूँ एक बार, लेकिन ब्लॉग नहीं बना पाया हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जाऊँगा तो पक्का बनाऊँगा ब्लॉग, तब तक आप लोग घूम के आइए। यही है कामाख्या मंदिर, इस स्टेशन पे इसका फोटो लगा हुआ है, और यह मंदिर सामने से और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। यह बहुत ऊँचे पहाड़ पर है, और अगर आप पैदल जाएंगे तो पूरा थक जाएंगे, और गाड़ी जाता है आज। अगर आपको कामाख्या मंदिर पैदल जाना है तो आपको उतरना पड़ेगा कामाख्या स्टेशन पे, और वहाँ से अगर आप फिट हैं तो 1 घंटा पहाड़ पर चढ़ने के बाद आपको मिलेगा ये कामाख्या मंदिर। और अगर आप गाड़ी से जाना चाहते हैं तो गाड़ी भी जाती है वहाँ से, तो जा करके आप दर्शन कर सकते हैं और इस मंदिर की सुंदरता को देख सकते हैं। यह
शक्ति पीठ है एक माँ दुर्गा का, और बहुत ही विशाल मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है। तो आप लोग जाइए और घूम के आइए।